मैं हूँ अनुराग, लालू के लाल, जी हाँ लालू के बड़े वाले लाल तेज प्रताप यादव सड़क पर उतर गए हैं ई रिक्शा लेकर और अपने पिता को न्याय दिलवाएंगे। न्याय यात्रा की शुरुआत की है तेज प्रताप यादव ने, तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सड़क पर उतरे हैं तेज प्रताप यादव ई रिक्शा लेकर और साथ में उनके जो छात्र जनशक्ति परिषद का जो उन्होंने गठन किया था, वो तमाम जो छात्र जनशक्ति परिषद के सदस्य सड़क पर उतर गए हैं। तो ये इस अनोखे अभियान की न्याय यात्रा की शुरुआत की है लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने। पूरी खबर आपको बताएं जो आज इसकी शुरुआत की गई है रविवार को। तेज प्रताप यादव जो अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए, दरअसल वो चारा घोटाले के पांचवें मामले में भी उन्हें सजा मिली है, 5 साल की सजा मिली है और अब इस मामले को वो हाईकोर्ट लेकर जा रहे हैं लालू यादव न्याय के लिए। तो इस बीच इधर तेज प्रताप यादव ने भी अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने पहले ऐसा ऐलान कर रखा था कि वो इस तरह की यात्रा निकालेंगे। उनके पिता को बेवजह फंसाया जा रहा है चारा घोटाले के मामलों में, इस तरह की बात करते हुए उन्होंने वो पहले भी बरस चुके हैं और आज भी खूब बरसे तेज प्रताप यादव। आपको बताएं कि हसनपुर से विधायक है लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, और छात्र जनशक्ति परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो छात्र जनशक्ति परिषद जो है इसको लेकर आपको याद भी होगा पिछले दिनों कुछ विवाद भी खूब हुआ था, आरजेडी की जब छात्रवीन था उस वक्त टकराव की स्थिति भी बनी थी आरजेडी और तेज प्रताप यादव के बीच। तो खैर, अब छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है तेज प्रताप यादव ने। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ई रिक्शा का उपयोग किया जा रहा है इस न्याय यात्रा के लिए। युवा छात्र शाखा जो है छात्र जनशक्ति परिषद की, अब वो पूरे बिहार में ये ई रिक्शा का जो अभियान है न्याय यात्रा है वो निकालने जा रही है और इसकी शुरुआत लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने आज किया है अपने ये जो इस न्याय यात्रा के तहत। अब जो है प्रत्येक ब्लॉक में जो उनके छात्र हैं, छात्र जनशक्ति परिषद के सदस्य हैं, वो जाएंगे और लोगों के बीच लालू यादव के बातों को रखेंगे कि लालू यादव के साथ किस तरह से बेईमानी की गई है, लालू यादव के साथ जो है न्याय उन्हें नहीं दिया गया है, कुछ इस तरह की बात आरोप है कि सरकार उन्हें बेवजह फंसा रही है। तो अब इन तमाम बातों को रखा जाएगा। न्याय यात्रा की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, जो ई रिक्शा पर सजाया गया है, उसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाई गई है और तराजू भी है एक तरफ, यानी लालू प्रसाद यादव हैं तो दूसरी तरफ तराजू रखा गया है, यानी जो न्याय की देवी जो तराजू लेकर चलती है वो तराजू पर दिखाया जा रहा है कि न्याय जो सही से आरजेडी सुप्रीमो को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं सका है। तो अब इस न्याय को दिलाने के लिए लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने का मान सम्मान ली है, वो जिसमें शीर्षक भी रखा गया है जो ई रिक्शा पर सजाया गया है उसमें लिखा गया है, सजा नहीं साजिश है। जी हाँ, सजा नहीं साजिश है। ई रिक्शा पर जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उस पर ये लिखा गया है सजा नहीं साजिश है। जी हाँ, सजा नहीं साजिश है। ई रिक्शा पर जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उस पर ये लिखा गया है। और तेज प्रताप यादव ने हालांकि पिछले दिनों भी कई सारे अभियान शुरुआत किए थे, लेकिन उसका क्या हस हुआ था शायद आपको पता होगा, लेकिन अब ये नए अभियान की शुरुआत आगाज उन्होंने कर दी है। और जो सीजेपी यानी छात्र जनशक्ति परिषद के सदस्यों का दावा है कि विपक्षी दलों ने जो साजिश रची है, लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाया है साजिश रचकर, हम उच्च बिहार के लोगों के बीच जाकर उच्च साजिश का भंडाफोड़ करेंगे। तो अब तेज प्रताप यादव की सेना चल पड़ी है लालू यादव के साथ जो साजिश रची गई है, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, अब उस साजिश को लोगों के बीच पहुंचाएंगे और उसका खुलासा करेंगे, भंडाफोड़ करेंगे। तो लालू यादव को न्याय दिलाने के लिए तेज प्रताप यादव ने कमर कस ली। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।